परमात्मा के इच्छा के 450-450 सीट नहीं आता, और बगैर परमात्मा की इच्छा से के बगैर पूरे दुनिया में जो नरेंद्र मोदी जी का डुबडुबी बज रहा है, ये जो पंचम लहरा रहा है, ये सब परमात्मा का आशीर्वाद है। माले पर ऊपर मुंह उठा के या सूर्य पर मुंह उठा के थूक फेंकना और अपने मुंह पर पड़ जाना, यही भ्रम खाए जा रहा है। इसलिए पारिवारिक पार्टी हो गई है, उनको अपने सिवा दूसरा नजर नहीं आता है। जनता के सामने ना गिर गिराना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को गाली देने से उनका तो वोट बढ़ेगा नहीं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवादा में हुंकार भरे। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने कार्यों को गिनवाया, साथ ही साथ नीतीश कुमार ने भी कहा कि इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें 400 से अधिक हम लोग MP जीत करके पार्लियामेंट जाएंगे। और भी कई ऐसे मुद्दे इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। प्रधानमंत्री अपने कार्यों को गिनवा रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो भी वादे किए हैं ये सारा का सारा झूठ है, अगर आप भाजपा को साथ देते हैं तो भगवान के साथ नाइंसाफी होगी। भगवान के ठेकेदार यही कापन में है, एजेंसी का लिए CNF ले लिए हैं। अरे भगवान के मर्जी होता है तभी 450-450 सीट आता है। बिना परमात्मा के इच्छा के 450-450 सीट नहीं आता, और बगैर परमात्मा की इच्छा से के बगैर पूरे दुनिया में जो नरेंद्र मोदी जी का डुबडुबी बज रहा है, ये जो पंचम लहरा रहा है, ये सब परमात्मा का आशीर्वाद है। इन लोगों के कम समझदानी है, इसलिए इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। अभी नरहन्ने का काम नाखून काटना है, कितना ही तेज हो जाए तो वो गाछ वृक्ष नहीं काट सकता। ये लोग नरहन्ने है, नाखून काटने के काम में आए। अपना घर के पॉलिटिक्स देखें, परिवारों का पॉलिटिक्स देखें। अब नरेंद्र मोदी जी पर कटाक्ष करना वैसा ही है जैसा हिमालय पर ऊपर मुंह उठा के या सूर्य पर मुंह उठा के थूक फेंकना और अपने मुंह पर पड़ जाना। लेकिन आप लोग जिस कॉन्फिडेंस में हैं, सही बात, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए आप लोगों को। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की जो बेटी हैं रोहिणी आचार्य, चाहे मीसा भारती हो, उन्होंने कहा है कि हमारे सामने जो NDA के प्रत्याशी हैं कुछ भी नहीं है, वो सब जीरो हैं। उन लोगों को उन पूरा परिवार को उस परिवार की गलत फहमी भी यही है कि उनके मम्मी पापा भाई बहन के सामने इस हिंदुस्तान के कोई नागरिक कुछ नहीं, सब तुच्छ है। यही भ्रम खाए जा रहा है, इसलिए पारिवारिक पार्टी हो गई है, उनको अपने सिवा दूसरा नज़र नहीं आता है। इसलिए उनको उनका सोच उनको मुबारक, हम लोग इसी तरह काम करते हैं। लेकिन आप लोग चुनाव में भले ही प्रचार प्रसार कर रहे हो, लेकिन तेजस्वी यादव भी कम अब नहीं आप लोग हमरा बोल रहे हैं, लगातार वो भी अब जो है शुरुआत कर दिए हैं चुनावी मैदान में, वो भी अब उतर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं आप लोग के खिलाफ। इस बार जो मुकाबला है वो कांटे का टक्कर बताया जा रहा है। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी पर नीतीश कुमार को गाली देने से उनका काम बनने वाला नहीं है। जनता से वोट न मांगना चाहिए, जो जनता उनको रिजेक्ट कर दिया, लास्ट टाइम खाता भी नहीं खुला, ऐसी टुकुर टुकुर देखते रह गए, उस जनता से माफ़ी मांगनी पाई चाहिए ना, उस जनता के सामने ना गिर गिराना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को गाली देने से उनका तो वोट बढ़ेगा नहीं। तब की 39 जीते थे, अब की 40 जीते हैं, तो वो गाली देते रहे, वो अपना काम करते रहे, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी जीते हैं, जिसके लिए जगते और सोते चिंता करते हैं, ये 140 और 42 करोड़ के लिए और बिहार के 13 करोड़ की जनता के लिए जो ख्याल रखते हैं नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार, हम उसकी बात करते हैं। लेकिन आप लोग भरोसा है कि हम इतना 40 सीट जीत सकते हैं, लेकिन तो फिर प्रधानमंत्री को क्यों रैलियों को बढ़ाना पड़ा, अमित शाह की रैलियों को बढ़ाना पड़ा, आखिर कारण क्या रहा? तो क्या कहें, हटा दें। मान लेते हैं तुम हमको इज्जत करती हो, प्यार देती हो, तो क्या करें, तुमको ढेला मारते हैं? अरे ताली दोनों हाथ से बजता है। जो हमको दे रहा है, जो नरेंद्र मोदी जी को पूरे दुनिया में स्थापित कर रहा है, तो उसके दरवाजा तक हम नहीं जाएं, उनको साबसी नहीं दें, उनसे प्यार और मोहब्बत से मांगे नहीं, तो क्या करें? यही ना करना चाहिए। लोकतंत्र का तकाजा क्या है कि घर घर तक पहुँचना, उनके रिप्रेजेंटेशन को जगाना, उनके मानसिक स्थिति को उत्साहित करना, तो नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी करते हैं।
लेकिन शायद आप भी भूल रहे हैं, इस बार तेजस्वी यादव ने भी, लालू प्रसाद यादव ने जो चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारे हैं, शायद इस बार मुकाबला आप लोगों को पहले पिछले दफे जैसा नहीं है। इस बार हालात बहुत कुछ बदल दिया है, आपके पार्टियों में भी प्रत्याशियों को लेकर के जो नाराजगी देखी जा रही है, लगता है कि इन सब चीजों में आप लोग को 40 सीटें नहीं, इस बार वो कैंडिडेट खड़ा किया तब का डांस का करवा दिए थे, जब 39 को हम लोग जीते थे खाता नहीं खुला था, तो इस बार वो कैंडिडेट खड़ा किया यहाँ तब की सब का किए थे, डांस करवा रहे थे तब क्यों खड़ा किए थे, तब क्यों हारा था, अब क्यों हारेगा, बस इतना ही कि तो फासला है। 4 जून आ जाने दो वंदना, कि ये सब जो बीज में ढूंढे हैं वो निकलेंगे। मुकेश सहनी भी अब साथ देने के लिए पहुंच अब साथ आ गए हैं महागठबंधन का, तो क्या हो जाएगा जी, ना पूछो से खेसारी के दाल क्या हो जाएगा, खेसारी के दाल तुमको बहुत मिल जाएगा, रोज खाओगी पेट खराब हो जाएगा। हमारी बातों को छोड़िए, आप अपनी बातों, शायद आप लोगों को भी ना, क्योंकि नेताओं को भी बहुत कुछ नहीं पचता है शायद। नहीं, नेता तो सब कुछ पचा लेता है और उसको पचाने की क्षमता है, इसीलिए नेता है वो, तो नेता ही एक ऐसा है कि जहर पीता है और अमृत में रूपांतरण कर देता है, तभी नेता बनता है। इसीलिए तेजस्वी यादव को पोस्ट करना पड़ा, झूठे वादे, झूठे दावे, झूठे सब कुछ। दूसरा कौन काम कर सब का कह सकता है, और वो क्या कहेगा अपने चुनाव में कि हम जमीन ले लेंगे, क्या कहेगा कि हम गाय के चारा खा लेंगे, क्या कहेगा, कहना तो उसको हम लोगों को गालिए देना है, दूसरा तो अपना कोई उपलब्धि है नहीं, माता जी का न पिता जी का न उनका, तो वो गालिए देके अपने समय बिता ले, उनको मुबारक है इस सोच के। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भाजपा के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव का, आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, धन्यवाद।